नमस्कार किसान भाई, राम कैलाश यादव अमर प्रताप ब्लॉग में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूँ, भैंस को सीमन कराने के बाद हम कैसे पता कर सकते हैं उसके पेशाब के रास्ते को देख करके कि ये गर्भवती है या दोबारा फिर से हीट में आई है। ऐसा देखा जाता है कुछ भैंस जो है चुप्पी हीट में रहती है, जिसे साइलेंट हीट कहा जाता है, यानी हीट में रहती हैं, बोलती भी नहीं है। हम सीमन करा देते हैं, उसके बाद भी हमें पता नहीं चल पाता कि ये गर्भवती है या नहीं है। तो किसान भाई, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर किसान भाई हम बात करते हैं भैंस को सीमन कराने के बाद गर्भवती का पता करने का, तो ऐसा किसान भाई देखने को मिलता है उनके पेशाब के रास्ते को हम देखकर कैसे पता कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अगर हमारी भैंस हीट में रहती है तो भी जो है उनके पेशाब के रास्ते में सूजन रहती है, अगर गर्भवती रहती है तो भी उनके पेशाब के रास्ते पे सूजन रहती है। तीन दोनों में जो है हमें अंतर देखना है, अंतर को ढूंढना है, तभी आप एग्जिट पता कर सकते हैं कि आपकी जो भैंस है गर्भधारण कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करूंगा हीट का। अगर आपकी पशु सीमन कराने के बाद, ऐसा देखा जाता है अधिकतर अगर हमारी पशु सीमन कराने के बाद गाभिन ठहर जाती है तो हीट में नहीं आती। इससे ऐसे किसान जो है अधिकतर इसका एक पहचान किए रहते हैं कि हमारी पशु जो भैंस है या गाय है सीमन कराने के बाद जो है 21 दिन पर हीट में नहीं आई है, तो किसान समझ जाता है कि हमारी जो भैंस है गाय है वो गर्भ धारण कर लिया है। अगर हमारी भैंस या गाय सीमन कराने के 20 से 21 दिन बाद हीट में आ जाती हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी जो भैंस है या गाय है गर्भ धारण नहीं किया है। जैसे कि सीमन करा दिए हैं, कोई पशु साइलेंट हीट पे आ रही है, बोलती नहीं है, तो उसमें एक समस्या खड़ी होती है किसानों के लिए। वो कंफ्यूज रहते हैं, 20 से 21 दिन बाद भी उन्हें पता नहीं चल पाता कि हमारी जो गाय भैंस हैं वो हीट पर हैं। तो सबसे पहले किसान भाई हम उसके पेशाब के मार्ग को देख करके ये बताऊंगा कि ये हीट पे है या गर्भ धारण किया है। सबसे पहले हीट की बात करते हैं। जैसे अगर आपकी भैंस आप सीमन करा दिए हैं, 21 दिन बाद अगर वो हीट में है, जैसे कि देखा जाता है कि पेशाब के रास्ते सूजन आना, तो जैसे पेशाब के रास्ते सूजन है 20 से 21 दिन बाद, तब उसके लिए उसमें भी एक आपको पहचान करना होगा। अगर आपकी गाय या भैंस जो हीट में रहेंगी तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो बार बार पेशाब करेंगी, पीछे उनके पेशाब के रास्ते में सूजन रहती है। सूजन के साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि 15 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट में वो बार बार पेशाब करेंगी। जब इस तरह का आपको लक्षण दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी जो गाय भैंस हैं वो हीट में हैं, वो गर्भ धारण नहीं किया है। और इस भैंस की अगर हम बात करें तो ये भैंस जो है गर्भवती है, यानी गर्भ धारण कर लिया है। तो इसके जो पेशाब के रास्ते में आपको सूजन दिखाई देता होगा, अगर आपकी जो भैंस है सीमन कराने के बाद बार बार पेशाब नहीं कर रही है, पीछे साइड सूजन है, तो देखने को मिलता है जैसे नजदीक आता है हमारे भैंस को बच्चा करने का, जैसे छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, नौवां महीना, दसवां महीना लग जाता है हमारे भैंस को, तो धीरे धीरे उनके सूजन पेशाब के रास्ते में होने लगती है, यानी ज्यादा दिखाई देने लगता है। तो उससे क्या है कि वो गर्भ धारण कर लेती हैं। लेकिन यही पहचान है अगर बार बार हमारी भैंस जो है बार बार पेशाब कर रही है सूजन के बाद, तो समझ लो हीट में आ गई है। अगर पेशाब नहीं कर रही है, सूजन है भी, तो उससे एक हम अनुमान लगा लेंगे कि जो हमारी भैंस है वो हीट में नहीं है, गर्भ धारण कर लेगी। अगर इस हम तरीके को बात करते हैं किसान भाई, तो 90% जो है सही उतर जाता है, और एक ये अनुमान होता है सभी किसानों के लिए। तो किसान भाई, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा
थैंक किसान भाइयों वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो को लाइक जरूर करें।